बीएचयू अपना 103वां दीक्षांत समारोह 16 दिसंबर को स्वतंत्रता भवन के सभागार में आयोजित करने जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय 16,600 उपाधियां प्रदान करेगा। दीक्षांत समारोह के संबंध में केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने बताया कि विभिन्न संस्थानों व संकायों में पदक प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम में मंच से 31 पदक दिए जाएंगे। इस वर्ष दीक्षांत कार्यक्रम के तहत 7,693 विद्यार्थियों को स्नातक, 5,760 विद्यार्थियों को परास्नातक, 986 को PhD, 29 को MPhil तथा 3 को DLit उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। प्रोफेसर जैन ने कहा कि विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी के लिए दीक्षांत समारोह एक अत्यंत विशेष और यादगार अवसर होता है। इस वर्ष के दीक्षांत समारोह की विशेषता यह है कि विश्वविद्यालय से संबंधित चारों महाविद्यालय बीएचयू परिसर में अपने उपाधि वितरण कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में योजना बनाने व तैयारी करने हेतु संबंध महाविद्यालयों की भावनाओं को हम अच्छी तरह से समझते हैं। इस वर्ष के दीक्षांत कार्यक्रम में महाविद्यालयों का यह अवसर प्राप्त हो रहा है कि जो संबंध महाविद्यालयों को सशक्त करने की बीएचयू की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद दीक्षांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कुलपति ने कहा है कि प्रोफेसर सूद जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक व शिक्षाविद द्वारा दीक्षांत संबोधन सुनना हम सभी के लिए एक अनूठा अवसर है। प्रोफेसर अजय कुमार सूद प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवोन्मेष परिषद के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर से भौतिक में डॉक्टरेट, प्रोफेसर सूद संस्थान में नेशनल चेयर प्रोफेसर है। देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर सूद का शिक्षा व वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है, जिसके लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है। इनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान PD के लिए, बिड़ला सम्मान साथ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का मिलेनियम गोल्ड मेडल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सर CV रमन सम्मान व इंडियन नेशनल साइंस अकादमी का होमी भाभा पदक समेत अनेक ख्याति लब्ध सम्मान शामिल है। ये पूरा समारोह स्वतंत्रता भवन से शुरू होगा, जहां पर मुख्य मेडल्स 27 मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे।